जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनविसर में। आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, जैसे पूछा गया कैसे प्राप्त करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है आप कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें दिया गया है जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एथिल अल्कोहल बनाना है, एसिटिक अम्ल से बनाना हमको मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिलेमीन है, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म है, डाइएथिल ईथर से एथिलेमीन, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल बनाना हमको एथिल अल्कोहल से एथिलेमीन है, मेथिल अल्कोहल से हमको एथिल अल्कोहल बनाना है, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल से हमको एथिल एमीन कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे आप इनको परिवर्तित करेंगे। दिया गया अभिकर्मक दे दिया जाएगा, जैसे ग्रिग्नॉड अभिकर्मक दे दिया गया है, बाकी चीजें दी रहेंगी, आप एक उचित क्रम में इसको क्या करेंगे, किसी भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे बदलते हैं, कौन सा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे, कैसे अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदला जाएगा, तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आइए देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। पहला आपका क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड आपके पास इस प्रकार का एल्डिहाइड है और बनाना हमको एथिल अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है HCHO, ये होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड है और हमको बनाना क्या है, बनाना है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या हो गया भाई, एथिल अल्कोहल का सूत्र हो गया CH3 और CH, ठीक है, CH3, CH2 और ये OH। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड से हमको क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल, ये बनाना है, इसको हम लोग कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से हमको एथिल अल्कोहल बना दिया जाए, यहां पे बनाना है एथिल अल्कोहल, तो हम लोग क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल। तो देखिए क्या होता है, एथिल अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग ध्यान देते चलेंगे। एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, नहीं फॉर्मल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। देखिए यहां पर आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या एक है और दिया गया जो उत्पाद है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या दो दे दी गई है। तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या दो हो गई, इसका मतलब हमको कोई एक अन्य कार्बन परमाणु का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने आप लोग को बताया था कि अगर प्राथमिक अल्कोहल आप बनाना चाहते तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक का बिल्कुल एक सही सा आपका उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन क्या होगा, अगर ध्यान दे तो फॉर्मल्डिहाइड को इस तरह से लिख लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड एच है, सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ और एच, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब ध्यान ये रखना है कि हमारे पास एक कार्बन तो इन्होंने दिया और यहां पर दो कार्बन का आपका मिल रहा है अल्कोहल, तो एक कार्बन आप हटा दीजिए कि अल्कोहल यहां से मिला होगा, एक कार्बन आपका बचा है, इस कार्बन का आप ग्रिग्नॉड अभिकर्मक प्रयोग कर लीजिए। तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक हम लोग क्या लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड भी प्रयोग कर सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जिसको हम लोग ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करेंगे। बनने वाला उत्पाद देखिए क्या होगा, जैसा कि हमने आप लोग को बार बार बताया है, कार्बोनिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का है, बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन परमाणु माइनस चार, यहाँ पे प्लस चार, और ये क्या होगा, ये भी आपका मैग्नीशियम धातु होने के कारण धनावेश, कार्बन अधातु होने के कारण ऋणावेश। तो ये ऋणावेश किसके पास जा रहा भैया, ये धनावेश ध्रुवीय प्रकृति है, ये यहां पर आएगा, तो बनेगा एक योगात्मक उत्पाद। ये योगात्मक उत्पाद क्या है देखेंगे, हमारे पास योगात्मक उत्पाद बनकर के आ रहा है एच सी, यहां पर आकर के लग गया आपका सी एस थ्री, बिल्कुल ये सी एस थ्री आकर के लग गया, यहां पर हो गया आपका एक एच और यहां पर एक योगात्मक उत्पाद बनकर के आ रहा है, ये हो गया आपका एम जी और बी आर। आप इसका जल अपघटन करा दीजिए अम्लीय माध्यम का प्रयोग करके, हाइड्रोलिसिस करवाइए, H2O है, बिल्कुल H2O किसमें अपघटित होगा भाई, H2O अपघटित होता है H प्लस आयन और OH आयन में, ये इसको वियोजित कर दिया गया H प्लस आयन में और OH माइनस चार, फिर वही काम है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु है, बॉन्ड फिर से वियोजित होगा, ये जल अपघटन है, यहां पर आ गया धातु पे धन आवेश, अधातु पर ऋणावेश, हाइड्रोजन ओ के पास और ये OH किसके पास आएगा, एमजी के पास। देखिए आपका एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो चुका था, ये इसका जल अपघटन कराया गया और जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो लिख रहे हैं यहां से, ये हो गया आपका CH3, ध्यान देंगे ये हो गया CH3। अगले कार्बन पर आया, इस कार्बन पर सी के साथ दो एच लगा है तो हम लोग और आगे लिखेंगे CH3, बाद लिखेंगे CH2, ये हो गया आपका CH2
और सी एच टू बाद आ गया आपका क्या ओ, और ओ के साथ लग गया एच, और प्लस क्या बन गया, प्लस आपका ये निकल गया, निकलने वाला उत्पाद हो गया एम जी, एम जी के साथ आपका ओ एच है और ये बी आर, नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया आपका, ये हो गया एथेनॉल, ठीक है, या फिर एथिल एल्कोहल आप कह सकते हैं, बिल्कुल लिखा गया आपका एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल कैसे बना वो आपको बताया गया, एथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल का निर्माण किससे बनाया जा रहा है आपका फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो फॉर्मल्डिहाइड है उस फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग कैसे इसका निर्माण करेंगे, हम लोग लेंगे क्या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपके पास एक है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, याद रखेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका प्रयोग करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं ये बना सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करके हम लोग क्या बना लिए, बना लिया एथिल एल्कोहल, ठीक है। चलो हमारा एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, अगले के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड, देखिए सेकंड क्या दिया गया बाबू, सेकंड ये कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से क्या बना रहा है मेथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल होता क्या है, देखो एसिटिक अम्ल मतलब हो गया ये सी एस थ्री और सी ओ ओ एच, जिसको हम लोग सामान्यतः एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, तो ये एसिटिक अम्ल है और इससे बनाना हमको क्या भैया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मतलब होता है मेथेनॉल भी इसको कहते हैं, तो सी एस थ्री, ठीक है, बनाना सी एस थ्री और ओ एच, इसको मेथिल एल्कोहल करें, तो आपको अभी भी देखने को मिल रहा होगा कि एसिटिक अम्ल से अगर मेथिल एल्कोहल के बारे में बात करते हैं, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, सबसे पहले जरूरी क्या है सूत्र जानना जरूरी कि भैया एसिटिक अम्ल है क्या, नहीं एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल मतलब दो कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है वो एसिटिक अम्ल कहलाती है, या फिर इसको हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं, और ये बना क्या मेथिल एल्कोहल, या फिर मेथिल एल्कोहल कहेंगे या फिर आप मेथेनॉल कह सकते हैं, तो नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल नहीं, और ये मेथिल एल्कोहल आपका हो गया। क्या करना भाई, ऐसा लग रहा है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या इधर दो है, इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या एक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कम करने नहीं, और हमने आपको बताया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर कम करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण क्रिया पढ़ाई गई है, ठीक है, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण क्रिया में हम लोग क्या करेंगे, हाफमान ब्रोमामाइड जो निम्नीकरण क्रिया होती है उसमें ब्रोमीन और आप KOH या फिर क्या NaOH का प्रयोग कर सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, पहले इस एसिटिक एसिड को हम लोग एमाइड में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो एसिटिक अम्ल है बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ सी एस थ्री, सी हो गया डबल बॉन्ड ऑफ ओ और ओ एच, ये एसिटिक अम्ल है, अगर हम इसकी अभिक्रिया करा देते किसके साथ है एसिटिक अम्ल को एमाइड में बदलना, तो अभिक्रिया में हम लोग ले रहे हैं अमोनिया, ठीक है, एन एस थ्री लिया गया अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ये क्या करेगा इसका एच यहां से ओ एच निकल गया, माइनस का निकल गया एच टू ओ बना एमाइड, अर्थात जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो अमोनिया का हाइड्रोजन इसका ओएच निकल गया बना एमाइड, एमाइड कैसा हो गया भाई वो देखो सी एस थ्री, सी एस थ्री के बाद अगला आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया एन और एच टू, ये एमाइड हो गया, अब ये एमाइड बन गया, नाम इसका क्या है, इसका नाम एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल, अगर हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, ठीक है, एसिटिक अम्ल, और जब एसिटिक अम्ल हो गया एसिटिक अम्ल नहीं, और एसिटिक अम्ल से क्या बन गया ये हो गया एसिटेमाइड, नाम हो जाएगा एसिटेमाइड, ये एसिटेमाइड हो गया, और एसिटेमाइड के बाद हम लोग क्या कर दिया इसका हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण क्रिया करा रहे हैं, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण क्रिया में क्या ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे बी आर टू और प्लस ले लेते हैं फोर मोल्स ऑफ आपका के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैसे अभिक्रिया होती है मैं यहाँ पे आपको नोट करा दे रहा हूं, ये जो अभिक्रिया है इस तरह से लिखा हुआ आपका बी आर टू दो बार, अब ये बी आर है और फिर बी आर बी आर टू है और फिर क्या होगा के और ओ एच एक बार हो गया, फिर से हमने बताया के ओ एच आपके पास होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगला के ओ एच हो गया, जब इनको हीट किया जाता है सबके साथ तो क्या बनता है, ठीक है, बाकी आपका एम आर टू ये पढ़ा, ये नहीं मैंने सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ और एन एच टू ये पढ़ा, तो होता क्या है ध्यान दे बाबू, ये होता है यहाँ पर एक बी आर एक के साथ अब क्रिया के बी आर निकल गया, अगला बी आर अगले के साथ के बी आर टू,
और क्या निकला, देखो गर्म करने पर जल निकल गए, H2O का एक अणु, H2O का ये दूसरा अणु, बचा क्या आपका, तो देखिए एक के यहां पर बचा हुआ के, के और ओ नहीं, यहां पर भी आपका क्या एक ओ बचा हुआ, तो इस प्रकार से के टू और दो ओ भी यहां पर है और एक ओ यहां से, ये तो बना क्या के टू सी और ओ आपको देखने को मिला थ्री, के टू सी ओ थ्री निकल जाता, अर्थात क्या क्या निकल गया, एक अणु के बी आर का, दूसरा अणु के बी आर का, दो अणु के बी आर के निकल गए, दो अणु आपको जल के निकलते हुए देखे, अब अगला क्या बच गया, तो यहां पर के बचा, एक ओ यहां बचा हुआ, अगला के यहां पे बचा, ओ यहां पे बचा, अर्थात दो के और दो ओ, तो यहां से क्या निकला के टू सी और ओ थ्री, तो निकल जाता आपके पास क्या के टू सी ओ थ्री, और बचा क्या ये जो एन एच टू है वो आकर के यहां पर लग जाता है, तो देखिए क्या हुआ होगा, क्या क्या निकल गया, तो माइनस का मैं बता रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, माइनस का 2 मोल्स ऑफ आपका H2O, माइनस का निकल गया K2 और CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, अब क्या हुआ होगा, ये ऑक्सीजन जब निकल गया NH2 आकर के CH3 के पास लग गया, तो बनने वाला उत्पाद क्या बन गया, बनने वाला उत्पाद बन गया CH3 और क्या हो गया CH3, ये CO खत्म, तो बचेगा आपका NH2, CH3 हो गया और NH2 हो गया, और आपको एक चीज और बताई गई है, अगर इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भैया होता है H और NO2, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख दे रहे हैं, HNO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं HNO2 के साथ, तो देखो क्या होगा, अगर HNO2 के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे नोट करके दिखा रहा हूं, इस तरह से लिखा हुआ, लिखा हुआ सी एच थ्री है, सी एच थ्री के साथ आपका क्या है एन एच टू है, सी एच थ्री के साथ लगा हुआ है एन और एच टू, डबल बॉन्ड लगा हुआ O, O के साथ लगा N, हम HNO2 की संरचना लिख रहे हैं, ये हो गया H, क्या होगा देखो HNO2 के बारे में अगर बात करें तो इसका H2O, H2O और यहां से निकल गया एक N, यहां से एक N, यहां से Na2, सॉरी N2 गैस, अर्थात H2O निकल गया, ये दोनों को जोड़ा गया H2O, N2 गैस, ये O चाह करके यहां पर लग जाता नहीं, अर्थात इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या निकल गया, माइनस का निकल गया H2O, माइनस का निकल गया N2 गैस, ये दोनों चीज यहां से निकल गई और बचा जो आपका कंपाउंड है वो OH आकर के CH3 से लग गया, नहीं तो बनने वाला जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3 और CH3 के साथ आकर के लग गया OH, नाम हो गया मेथिल एल्कोहल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ये बनकर के आ रहा है, मेथिल एल्कोहल, नाम हो गया मेथिल एमीन या फिर मेथनेमीन कहते हैं, मेथिल एमीन, ये हो गया मेथिल और एमीन, नहीं तो आप ध्यान रखेंगे पहले क्या करेंगे, पहले काम होगा एसिटिक अम्ल, ये एक निम्नीकरण अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम की जा रही है, तो कार्बन परमाणु की संख्या कम करने के लिए हम लोग ये प्रयोग करें, तो एसिटिक अम्ल है, इसको हम लोग पहले एसिटेमाइड में कन्वर्ट करते हैं, एमाइड बनाते हैं, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ तो हो गया एसिटेमाइड, एसिटेमाइड की अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमामाइड से करेंगे, हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में एक कार्बन परमाणु आपका कम हो जाएगा, ये सीओ निकल जाएगा, बनने वाला आपका कंपाउंड मेथिल एमीन है, और मेथिल एमीन से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करा देंगे तो बनने वाला कंपाउंड आपका होगा मेथिल एल्कोहल, आइए देखते हैं तीसरी अभिक्रिया क्या कह रही है, तो तीसरी अभिक्रिया में दिया गया है एथिल एल्कोहल से आपको बनाना है मेथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से बनाना है, देखो दूसरी अभिक्रिया होने के बाद अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, एथिल एल्कोहल इसको मैं हटा रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीसरी के लिए नहीं, तीसरी अभिक्रिया भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, क्या दिया गया है, सेम चीज ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है ना, आपको क्या करना है, दिया गया है एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है और बनाना क्या हमको भैया मेथिल एमीन बनानी है, सॉरी एथिल एल्कोहल से आपको बनाना क्या है मेथिल एमीन, ये वाली अभिक्रिया तीसरी, तो एथिल एल्कोहल अगर हमारे पास दे दिया जाए, देखो एथिल एल्कोहल सपोज दैट हमने लिख दिया, यहां पे लिख रहे हैं एथिल एल्कोहल, मतलब हो गया सी एच थ्री और ये हो गया आपका सी एच थ्री, ये है सी एच थ्री और सी एच थ्री साथ लगा सी एच टू और हो गया ओ एच, इसको हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका एथिल एल्कोहल है, एथिल और एल्कोहल, अगर हम बात करें एथिल एल्कोहल की तो ये आपका एथिल एल्कोहल दिया गया ना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, थोड़ा सा ध्यान दें, इसी अभिक्रिया में आपको ये दूसरी अभिक्रिया बताई जा रही है,
ये जो तीसरी अभिक्रिया है, तीसरे में ये क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन देखा जा रहा है तीसरे का। तीसरे में ये कहा गया है एथिल एल्कोहल से मिथिल एमीन कैसे बनेगा। तो हमें मिथिल एमीन तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, मिथिल एमीन इस प्रकार की है, इसको देख रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एथिल एल्कोहल का, अगर एथिल एल्कोहल है तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसका मतलब क्या ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 के द्वारा, एसिडिक KMnO4 ले सकते हो, एल्कोहलिक ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, KMnO4 क्या करता है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये ध्यान रखेंगे KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। या फिर आप दो स्टेप ले सकते हो, पहले एल्कोहल को एल्डिहाइड K2Cr2O7 आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 है, CH2 है, फिर आपका OH लगा, तो आप एक बार ले लीजिए K2Cr2O7, K2Cr2 और O7 है, तो बनेगा एल्डिहाइड CH3 और CHO। फिर आप लेते हैं एक बार और, आपने ले लिया क्या K2Cr2O7, ठीक है Cr2O7, तो ये एल्डिहाइड को बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COO और H, अर्थात ये ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 थोड़ा सा भैया दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, जो एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलते हैं। तो हम चाहते हैं तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, पहले एथिल एल्कोहल लीजिए, एथिल एल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाइए, एल्डिहाइड से तब कार्बोक्सिलिक एसिड। आप वो नहीं बनाना चाहते तो आप एथिल एल्कोहल लीजिए, डायरेक्ट प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 का प्रयोग कीजिए, बनेगा क्या एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से आगे चलेगा आपके पास क्या एसिटेमाइड आप बनाएंगे, और एसिटेमाइड की अभिक्रिया हाफमान ब्रोमामाइड से अगर करा देते हैं तो आपका उत्पाद यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, वो मिथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, क्या आ गया, एथिल एल्कोहल से मिथिल एमीन। तो एथिल एल्कोहल हमारा ये है, एथिल एल्कोहल से पहले हम लोग उसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने ऑक्सीकृत करा लिया, जितने कार्बन है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई गई, बन गया एमाइड, और एमाइड के बाद अगर इसका हम लोग हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया करते हैं तो जितने कार्बन की एमाइड होती है उससे एक कम कार्बन की प्राथमिक एमीन यहां पे प्राप्त होने वाली, ठीक है। बात आती है अगली अभिक्रिया, तो हमने आपको बता दिया कि हमने पहला दूसरा और ये तीन अभिक्रिया यहां पर सॉल्व कर ली, आप इसी के अनुसार बस अगला लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं चौथी अभिक्रिया, आप लोग इसको नोट करेंगे, अगला फिर तब से देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए अगला आता है तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया में देखिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, इन्होंने क्या बताया ना, तीसरी अभिक्रिया अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो तीसरी अभिक्रिया आती क्या है भाई, वो ये है, तीसरी अभिक्रिया ये कह रहे हैं, तीसरी अगर अभिक्रिया के बारे में बात करें तो लिखा गया आपके पास एथिल एल्को, सॉरी तीसरी है, चौथी में दिया गया एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है आयोडोफॉर्म, ठीक है। ये चौथी अभिक्रिया है, बनाना क्या है एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म, ठीक है, एथिल एल्कोहल है, सूत्र भी लिख सकते हैं, एथिल एल्कोहल का सूत्र ये हो गया CH3 और CH3 बाद CH2 है और OH है, एथिल एल्कोहल है, बनाना क्या है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म मतलब होता है CH और I3, ये कहलाता है आपका क्या आयोडोफॉर्म। तो जब आयोडोफॉर्म हमको बनाना है तो आयोडोफॉर्म हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए एथिल एल्कोहल से बनाना है, ठीक है, एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल से हम लोग आयोडोफॉर्म बनाते हैं तो हमने एक आपको अनुपात बताया था, किसका भैया अनुपात बताया गया था, किसका अनुपात बताया गया था आयोडीन का अर्थात हैलोजन का और प्लस कंसंट्रेट NaOH का एक अनुपात था, ठीक है। एल्कोहल के लिए हमने बताया था अगर इनका अनुपात लेना तो 4:6 का प्रयोग किया गया था एल्कोहल के लिए, लेकिन जब एल्डिहाइड होता है, ये एल्कोहल के लिए मैंने अनुपात बताया था, एल्कोहल के लिए अनुपात है, ठीक है, एल्कोहल के लिए अनुपात क्या था, इनका अनुपात ये था, लेकिन जब एल्डिहाइड होता है ये मिथिल कीटोन या फिर क्या पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हमने आपको अनुपात एक बताया था कि भैया इसके लिए हम लोग 3:4 और क्या होगा 4 का प्रयोग कर, 3:4, ठीक है, कंसंट्रेट H2 सॉरी कंसंट्रेट जो NaOH होता है उसका अनुपात 4 तब होता है जब एल्डिहाइड होता है, और एल्कोहल के लिए आपका ये व्यवस्था। तो देखिए क्या करेंगे, एल्कोहल है बिल्कुल सोल्यूशन देते हुए, अगर हम बात करें सोल्यूशन की तो सोल्यूशन में कैसे आया भाई, ये देखो एथेनॉल लिखना ही पड़ेगा, एथेनॉल ये है
CH3 हो गया, फिर आगे आ गया CH2 और यहां पर हमने लिख दिया OH एथेनॉल प्लस। एल्कोहल के लिए अनुपात 4:6, 4 मोल्स ऑफ I2 नहीं, आपको याद रखना थोड़ा सा, 4 मोल्स ऑफ आप I2 का प्रयोग कीजिए और प्लस 6 मोल्स ऑफ आपका Na और OH कंसंट्रेट NaOH का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या बताया, हमने बताया भैया जितने कार्बन की एल्कोहल है उससे कम कार्बन क्या कर? देखो फिलहाल एक कार्बन तो आप निकाल दो यहाँ पे आयडो फॉर्म में, आयडो फॉर्म मतलब हो गया CH और I3 आप बना दीजिए, ये हो गया आयडो फॉर्म आपका बन करके तैयार हो गया भाई आयडो फॉर्म। अब क्या करना है, जितना क्षारक है ठीक है कास्टिक पोटाश जितनी मात्रा में लिया गया है वो क्या करिए, कास्टिक सोडा जितनी मात्रा में लिया गया उससे क्या करिए, उससे एक कम अर्थात 6 है, 6 से क्या होगा 5, 5 मोल से क्या बनाइए, वो बनाइए NaI सोडियम हैलाइड या फिर सोडियम आयोडाइड, उतना ही जितना ये है उतना ही आपको क्या बनाना है, जल भी बनाना है, तो 5 मोल साहब आप H2O का भी प्रयोग कीजिए और प्लस। अब ध्यान दीजिए ना, ध्यान क्या रखना है, जितने कार्बन की एल्कोहल थी उससे एक कम कार्बन की क्या सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाना, नहीं तो दो कार्बन से एक कम अर्थात एक कार्बन का बना क्या सोडियम फॉर्मेट HCOO और Na, नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट, इसको हम लोग कहते हैं क्या सोडियम, ठीक है सोडियम फॉर्मेट, तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट ने, तो बना हमारे पास क्या आयडो फॉर्म बन गया और ये किससे बनाया गया एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से हम लोग आयडो फॉर्म बना लिए, एथिल एल्कोहल से आयडो फॉर्म। तो चलिए हम लोग ने क्या कर दिया, एथिल एल्कोहल से आयडो फॉर्म बना लिया। नहीं आगे बात आती भैया, क्या बात आती है, डाई एथिल ईथर से हमको क्या बनाना है एथिल एल्कोहल, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल। चलिए आइए देखते हैं डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल कैसे बनता है। पांचवा सवाल आपका दिया जा रहा है, लॉक किया जाए भाई, पांचवा सवाल क्या, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, डाई एथिल ईथर क्या होगा भाई, चलो बनाते हैं CH3 हो गया, CH3 बाद CH2 साथ OO के साथ फिर लगा CH2 साथ एक और लगा आपका CH3, ये बन गया डाई एथिल ईथर। और डाई एथिल ईथर से क्या बनाना है आपको एथिल एल्कोहल, बिल्कुल एथिल एल्कोहल सूत्र आपको पता ही होगा, एथिल एल्कोहल मतलब हो गया CH3 के साथ CH2 और क्या लगाइए OH, बिल्कुल सही आपने कहा OH एथिल एल्कोहल, ये बनाना है, ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर, ये जो डाई एथिल ईथर है इससे क्या बनाना है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल अगर हमको बनाना ही है तो क्या किया जाए भाई, एथिल एल्कोहल बनाना है आपको बताया गया था हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग कीजिए, ठीक है हाइड्रोजन आयोडाइड सोल्यूशन में देते हैं, चलो सोल्यूशन में अगर देखते हैं तो सोल्यूशन क्या बन करके आ रहा था, तो सोल्यूशन बना भाई बना क्या क्रिया, ये जो एथिल एल्कोहल है CH3 CH2 के साथ लगा O और O के साथ फिर से CH2 और CH2 के साथ आपने फिर से लगा दिया CH3, आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराइए, ठीक है देखो आधे के लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, वो हमेशा मिलेगा क्या एल्किल आयोडाइड मिलता है, लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं कम मात्रा में हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग करते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल इस तरह से बॉन्ड ये टूटा, कोई एक बॉन्ड टूटा इसके ऊपर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, एच प्लस टूटा भैया आई माइनस माइनस को प्लस, बनेगा क्या, बनने वाला कंपाउंड बन गया आपका CH3, बिल्कुल CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH2 के साथ क्या लगा CH3 CH2 OO के पास आया भाई, एच नहीं OH हो गया यहाँ पर OH और प्लस क्या बना, प्लस बनने वाला कंपाउंड CH3 CH2 और आई आ गया यहाँ पर, नहीं ये आई यहाँ पर आया और H यहाँ पे आया, तो बनने वाला उत्पाद अगला क्या बन गया CH3 और CH2 नहीं CH3 CH2 और आई एथिल आयोडाइड और बनता है आपका एथिल एल्कोहल नहीं बिल्कुल ये बना आपका एथिल एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल बना वो इस प्रकार से और ये बन गया आपका एथिल आयोडाइड, नहीं बिल्कुल एथिल आयोडाइड, ये हो गया एथिल आयोडाइड। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया क्या
एथिल डाइएथिल ईथर से हम लोग एथिल अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। बात आती है तीसरी अभिक्रिया, सॉरी तीसरी बल्कि छठी अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपको बनाना है प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल। तो सोचो क्या होता है, अगर हम लोग देखें प्राथमिक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल बनाना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अगर प्रयोग करते हैं, आपको बताया गया फॉर्मल्डिहाइड में हम लोग क्या करते हैं, अगर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कराते हैं, तो आपको प्राप्त होने वाला यौगिक अल्कोहल होता है प्राथमिक अल्कोहल। आइए देखते हैं, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं हटा रहे। आपको अगला यहां पर बनाना है चलो भाई क्या बनाना है, ध्यान रख बनने वाला जो कंपाउंड है अगली बार हमको बनाना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना है प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल। चलो देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने आपको बताया था, अगर किसी एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, चाहे एल्किल हैलाइड हो या फिर एरिल हैलाइड हो, भाई एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड मतलब एक्स, अगर इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है, अगर इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नहीं, तो क्या बनता है, बनता है एल्किल या फिर एरिल, ए आर नहीं, आप एल्किल लिख लीजिए या फिर क्या होगा एरिल हो गया, एरिल अथवा एल्किल मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम और हैलाइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, जब किसी एल्किल अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ किसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो बनने वाला उत्पाद क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आइए हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करके कैसे प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात आती है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्या छठवां, बिल्कुल सिक्स वाला क्वेश्चन है, सिक्स वाले क्वेश्चन को ध्यान दो, सिक्स वाला क्वेश्चन है भाई, सिक्स वाला क्या लेना है प्राथमिक, हमको बनाना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो बिल्कुल अभिकर्मक का प्रयोग कर रहे हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ने अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड वाला है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब आर एम जी एक्स, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारे पास आर है, आर के साथ लगा एम जी, एम जी के साथ लगा एक्स, ये हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ने, और हमें बनाना क्या है प्राथमिक अल्कोहल। हम बता दें आपको भाई, अगर प्राथमिक अल्कोहल बनाना चाहते हैं आप, तो आप प्रयोग करो भाई फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड मतलब हो गया एच सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एच, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो क्या देता है बाबू, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बिल्कुल अभिकर्मक के बारे में बात करते हैं ना, ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्या बन रहा है एक योगात्मक उत्पाद, बिल्कुल योगात्मक नहीं, योगात्मक कैसा हुआ भाई, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या करेगा, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या रहा भाई, यहाँ पर Mg धातु प्लस चार्ज माइनस, ये ध्रुवीय प्रकृति का बने, ये आयनिक प्रकृति ध्रुव, तो ये क्या करेगा देखो, एल्किल समूह R, बिल्कुल कार्बोनिल समूह पोलराइजेशन के कारण भी ऐसा काम नहीं, ये यहाँ पर आया उत्पाद क्या बनकर क्या रहा भाई, देखो ये फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो H हो गया, H के साथ C है, यहाँ पर R आके लगा और ये H और हो गया, यहाँ पर बचेगा O, 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 M, G, X, बिल्कुल O के साथ लगा हुआ है M, G और M, G के साथ आप लगाए X ने, इसका जल अपघटन कराओ भाई, हाइड्रोलिसिस अम्लीय माध्यम में होता है भाई, क्योंकि अम्ल के बिना भी जल को तोड़ना भाई आसानी से अपघटित नहीं होता है, अपघटित नहीं होने वाले, तो ये है योगात्मक उत्पाद, इसको हम लोग योगात्मक कहते हैं, योगात्मक, ठीक है, योगात्मक उत्पाद है भाई, उत्पाद उत्पाद उत्पाद, जिसका जल अपघटन कराया गया, क्या बना H2O टूट गया किसमें भैया, H प्लस आयन और OH माइनस चार्ज में, अब देखो क्या होगा जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, Mg के ऊपर प्लस चार्ज, O पुनः माइनस चार्ज, H किसके पास आया, O के पास, OH किसके पास आया, Mg के पास, बिल्कुल लिखो 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 लिखो, उत्पाद क्या होना, यहां से चालू करते भाई, R R के साथ लगा C, C के साथ H2, बिल्कुल यहां पर हो गया CH2, CH2 के साथ
ओ और एच आकर के लग गया, ये हो गया ओ एच, बनने वाला उत्पाद बना आपका ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाए भाई, प्राथमिक एल्कोहल है ये, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। तो बिल्कुल बात हो गई प्राथमिक एल्कोहल की। नहीं अब प्लस क्या निकल जाता है भाई, प्लस तो इसका ये योगात्मक उत्पाद का ये जो है, ठीक है, बना क्या Mg, और Mg के साथ आपका ओ एच भी है और इसके साथ एक्स लगा। नहीं तो इस प्रकार से हमने प्राथमिक एल्कोहल बना दिया भाई। प्राथमिक एल्कोहल कैसे बना हुआ है, प्राथमिक एल्कोहल बिल्कुल बनाने का तरीका वही है क्या फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए बात करते हैं हम द्वितीयक एल्कोहल भी बनाना है, तो देखो द्वितीयक नहीं तृतीयक है, ध्यान दो तृतीयक एल्कोहल और बनाना, और तृतीयक एल्कोहल के लिए आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड छोड़ दो, सभी एल्डिहाइड छोड़ो, खाली कीटोन का प्रयोग करो। कीटोन में भी कौन सा, कोई भी कीटोन आप लीजिए, नहीं जितने भी कीटोन है, ठीक है, सभी कीटोन, R हो गया C डबल बॉन्ड आपको और ये R कीटोन, कीटोन मतलब हो गया जिसकी कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसीज L के अथवा LH समूह के द्वारा जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं कीटोन कहते हैं। अगर कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसीज, दोनों संयुक्ताएं, नहीं कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ताओं पर एल के अथवा एनिल समूह होता है उसे क्या कहा जाता है कीटोन कहा जाता है, और कीटोन की अभिक्रिया फिर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं आर, आर के साथ एम जी, एम जी के साथ एक्स, वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाएगा क्या, बिल्कुल जैसा ये वैसा ही योगात्मक उत्पाद फिर बनने वाला। ध्यान देना है ना, कैसे ध्यान देना भाई, वही क्या होगा, ये जो कार्बोनिल समूह है बिल्कुल माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं, ये बॉन्ड टूटता हुआ है, माइनस Mg प्लस चार्ज, R माइनस चार्ज, क्योंकि Mg धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर था आवेश, किसके पास जाएगा R, R आ गया C के पास, और Mg किसके पास, O के पास, बना कंपाउंड क्या, देखो भाई कार्बन, इस कार्बन के साथ भैया पहले से दो एल्किल समूह और लगे थे, दो मित्र थे, दो एक और आ गया, एक R और, नहीं ये क्या बना बचा आपका क्या, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो टूटा हुआ बचा ओ ओ, ये Mg Mg X है भाई, अगला क्या लगाए इसमें, ये बना आपका योगात्मक उत्पाद, योगात्मक योगात्मक में ये हो गया आपका योगात्मक उत्पाद, बन गया भाई योगात्मक उत्पाद, और इस योगात्मक उत्पाद का क्या करना भाई, जल अपघटन कराना, जैसे आपने यहां पर कराए जल अपघटन कराने भाई, हाइड्रोलिसिस माध्यम वही अमली H2O, H2O ले रहे हैं, माध्यम आपका अम्लीय है, क्या बनने वाला है H2O डिसोसिएट हुआ, H प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज, बिल्कुल कोऑपरेट करें बनेगा, ये जो OH माइनस चार्ज है बॉन्ड फिर से डिसोसिएट करेगा इस योगात्मक उत्पाद का भैया, ये योगात्मक उत्पाद का भैया, बॉन्ड टूटा Mg धातु A धातु माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये यहां पर आ गया और OH यानी तो बना क्या, देखो इस सी के साथ कितने आर, बहुत सारे आर, नहीं नाम होगा सी आर, नहीं बिल्कुल सी आर मतलब सी आर नहीं, सी आर 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 मतलब एल्किल समूह है, और ये लगा ओ एच प्लस प्लस प्लस, ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल है बाबू, तृतीयक एल्कोहल, नहीं और प्लस क्या, आप योगात्मक उत्पाद और लिख सकते हो, क्या लिख सकते भाई Mg, Mg के साथ क्या, Mg के साथ ओ एच और एक्स, तो अब क्रिया हो गई क्या, हम लोग बना चुके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बनाना था, आपने प्राथमिक एल्कोहल बनाया, आपने तृतीयक एल्कोहल बनाया। चलिए बात करते हैं आगे आते नहीं, बात आ रही है सातवें की, लिखा गया है एथिल एल्कोहल, नहीं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, एथिल एमीन बनाना, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से अगर हम बनाना चाहते हैं एथिल एमीन तो क्या करें, एल्कोहल है भाई और एमीन बनाना है, एथिल एल्कोहल है एथिल एमीन बनाना, क्या किया जाए, अगर एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, बिल्कुल एथिल एल्कोहल, तो जब एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल मतलब हो गया आपका सी एस थ्री है, सी एच टू है और यहां पर आपका लगा हुआ ओ एच, नहीं सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, एथिल एल्कोहल से आपको बनाना है एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, चलो आठवां सवाल है, सॉरी सातवां सवाल, एथिल एल्कोहल ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री साथ सी एच टू है, सी एच टू साथ लगा आपका क्या ओ एच, एथिल एल्कोहल बनाना है एथिल एमीन, ये बनाना को एथिल एमीन अर्थात सी एच थ्री सी एच टू और ये एन और एच टू बनाना, एथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, अब ध्यान ये रखना है इसको पहले बदल दें किसमें, इसको हैलाइड बदल दें, हैलाइड मतलब होता है अगर हम चाहते हैं तो इसकी अभिक्रिया करा दे भाई, किसका भैया ये एथिल एल्कोहल है एथिल एमीन बनाना है, आप क्या लीजिए आप प्रयोग कीजिए इसी एथिल एल्कोहल का सी एच थ्री सी एच टू है और सी एच टू के साथ आपने ले लिया ओ एच, इसकी अभिक्रिया एसओ सी एल टू से कराओ भाई, एसओ सी एल टू, एसओ सी एल टू क्या है ये डार्जन अभिक्रिया है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर
एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधियों में से आने वाला है, क्यों? क्योंकि बनने वाले जो सह उत्पाद होते हैं SOCl2 SO2 गैस बना, ये SO2 गैस बना भाई, विलयन से निकल गया, माइनस का निकल गया, HCl वेपर फॉर्म में है, ये भी निकल गया, तो बचा क्या? ये देखो तरीका कैसे था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एल्कोहल है, ठीक है, आर है, आर के साथ कोई एस, या फिर हम आर नहीं लिखते, लिख दे रहे ऐसे भाई, एथिल एल्कोहल CH3 है, CH2 है, और ये OO के साथ लगा H, SOCl2 ऐसे लगाओ भाई, SO यहां हो गया, Cl यहां, Cl यहां, Cl यहां, क्या बना? CH3 CH2 Cl, और ये SO2 और ये HCl, तो बिल्कुल SO2 और Cl, क्या बचा? बचा CH3 CH2 Cl, बिल्कुल यहां पे लिखेंगे क्या? CH3 और CH3 के साथ CH2 और CH2 के साथ लगा दिया Cl। अब क्रिया किसके साथ करा देंगे? एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, यहां से N, सॉरी यहां से H, यहां से Cl, माइनस का निकल गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बनने वाला कंपाउंड बन गया आपका एथिल एमीन CH3 CH2, और ये बना NH2, इसको कहा गया एथिल एमीन, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे? एथिल एल्कोहल से, जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल नहीं, एथिल एल्कोहल का क्या बनाओ पहले? एथिल एल्कोहल से बनाओ एथिल क्लोराइड, बिल्कुल यहां पर बनाइए आप लोग एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड होने के बाद क्या करना है? ये बन करके आ गया पास एथिल एथिल एथिल, और एथिल के साथ बना एमीन, एथिल एमीन बन करके आ गया। ओके चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, कह रहा मिथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है, मिथिल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल, इसको हटाते हैं, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो मेरा कसम, ला 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 क्या बना बनाना है? मिथिल एल्कोहल से, मिथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है, पांच तीन आठ 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 आठवां है, बनाना है हमको मिथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल है, मिथिल एल्कोहल मतलब हो गया सी एच थ्री एक कार्बन और ओ एच, मिथिल एल्कोहल, और बनाना है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का मतलब हो गया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सात और ओ एच लगाना, कार्बन बढ़ाओ कार्बन बढ़ाओ। तो देखो मिथिल एल्कोहल अगर है तो मिथिल एल्कोहल को पहले बनाइए किसमें? मिथिल एल्कोहल को पहले कन्वर्ट कर लीजिए हैलाइड में, ठीक है। आगे हमने आपको बताया था केसीएन का योग, केसीएन जोड़ करके उसको हम लोग नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा लें, बात करते हैं यहां पे क्या करें, बिल्कुल ये शुरू से लिखते हैं एस ओ एल एस ओ एल टी आई ओ एन सोल्यूशन 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 है, बिल्कुल क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल, बिल्कुल आप प्रयोग कर रहे हैं मेथिल एल्कोहल सी एस थ्री और ओ एच है, आप प्रयोग कीजिए वही बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसओसीएल टू थायल्ड माइनस एसओ टू गैस सल्फर डाइऑक्साइड माइनस का निकला HCl बना क्या? मेथिल क्लोराइड सी एस थ्री सी एल। आप क्रिया किसके साथ कराएंगे भैया? आपको कार्बन बढ़ाना है, प्रयोग कीजिए के सी एन भाई, के सी एन पोटेशियम साइनाइड, आयनिक प्रक्रिया माइनस का निकल गया KCl बना क्या? बनने वाला कंपाउंड बन गया CH3 CH2 और CH2 के साथ N और सॉरी सॉरी CH3 CH3 साथ बना क्या? CH3 साथ C और ट्रिपल बॉन्ड N CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ N साइनाइड मिथिल साइनाइड या फिर इसको एथेन नाइट्राइड भी कहते हैं, मिथिल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइड, बिल्कुल आप ले लो LiS4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अब चेंज करा दो भाई LiAlH4, 4 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन, ये इसको तोड़ेगा ना, बॉन्ड टूटा इस तरह से H इसको मिला, एक बॉन्ड टूटा H इसको फिर बॉन्ड तोड़ा आपने H इसको दिया और H इसको दिया, ठीक है। तो क्या बनने वाला कंपाउंड? बन गया ये CH3 और CH2 और बना N और H2 भाई, इसकी अभिक्रिया कराओ भाई किसके साथ? एमीन को एल्कोहल में कौन बदलता है? एमीन को एल्कोहल में बदलता है नाइट्रस अम्ल, आप प्रयोग कर सकते हो HNO2, बिल्कुल नाइट्रस अम्ल क्या करेगा? N2 गैस निकल जाएगा, पहले अभिक्रिया मैंने बताया N2 गैस निकला, N यहां से N यहां से 2H एक O निकला, यहां से OH बच जाएगा, हमने आपको अभिक्रिया में हक बताया था, कोई भी एल्कोहल है सॉरी कोई भी एमीन है N और H2 अगर लगा हुआ उसके साथ, तो आप कैसे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते? डबल बॉन्ड ऑफ O,
नाइट्रस अम्ल लिखो, एन हो गया, ओ हो गया, एच हो गया, भाई यहां पर क्या आ गया, H2O और N2 गैस, क्या हो गया, R के साथ OH अंतर किस प्रकार से लग गया। तो R की जगह पे क्या है, यहाँ पर R की जगह पे दिया गया CH3CH2 और OH, बिल्कुल OH बना। ये हो गया एथिल एल्कोहल, बिल्कुल बन करके आया होगा एथिल एल्कोहल। और ये है एथिल एमीन, बिल्कुल ये हो गया एथिल, हो गया एथिल के साथ एमीन भी लगाओ, एथिल एमीन हो गया एथिल एमीन। ये क्या है, मेथिल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइल कह सकते हो भाई, या फिर और क्या लिख सकते हैं, एथेन नाइट्राइल के साथ साथ आप मेथिल साइनाइड भी इसके लिए लिख सकते हैं, मेथिल साइनाइड। क्लियर है भाई, चलो कोई दिक्कत है। नाम मेथिल क्लोराइड है, नाम जरूर लिखिएगा, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, चलो लिख देते हैं मेथिल क्लोराइड। चलो अगली बात आती है मेथिल क्लोराइड के बाद, ये है मेथिल एल्कोहल और एल्कोहल। तो ध्यान रखेंगे मेथिल एल्कोहल और कैसे बनाया जाएगा, इस तरह से। चल आगे देखते हैं, चलिए बात आती है नवे क्वेश्चन की, ग्रीन नॉड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ग्रीन नॉड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाए, तो आप नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ग्रीन नॉड रिएजेंट का प्रयोग किया गया, ग्रीन नॉड रिएजेंट क्या होता है, बनाना क्या हमको एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाना किससे, ग्रीन नॉड अभिकर्मक। तो ग्रीन नॉड अभिकर्मक से अगर एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एक प्रकार का प्राथमिक एल्कोहल है, ग्रीन नॉड रिएजेंट क्या हो गया भाई, ये हमने ले लिया। चलो आर एम जी एक्स है, आर है, एम जी है और एम जी के साथ एक्स है, क्या बनाना है, बनाना हमको है एथिल एल्कोहल, बनाना है CH3CH2 के साथ OH लगाना। आप ये ध्यान दीजिए ये प्राथमिक एल्कोहल है, और प्राथमिक एल्कोहल बनता किससे है भाई, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, इस विधि के द्वारा मेथेनॉल का निर्माण नहीं हो सकता ना। चलो क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड, आप फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग कीजिए, ग्रीन नॉड अभिकर्मक की जगह पे आपका एक कार्बन, देखो फॉर्मल्डिहाइड में आपको एक कार्बन पहले से मिला है, HC डबल बॉन्ड ऑफ कोन है एच, ये फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन मिल रहा है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे मिला क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल के लिए फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो एक कार्बन कहां से आएगा, वो एक कार्बन आर की जगह पे आप लगाओ, अर्थात क्या रहेगा, वो रहेगा CH3 और CH3 के साथ MG, MG के साथ आप BR लगा दीजिए, बनने वाला एक योगात्मक उत्पाद है, योगात्मक, जोड़ो कैसे जुड़ा, चलो जोड़ते हैं भाई कैसे जुड़ा, बाद में आप इसका जल अपघटन भी कराइए, माइनस चार्ज प्लस चार्ज बॉन्ड ये भी टूटेगा, धातु प्लस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस प्लस के पास, प्लस माइनस के पास, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का बना, क्या एक योगात्मक उत्पाद बन गया, योगात्मक, CH हो गया, H हो गया। आया क्या भाई, ओ नहीं, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे लगाओ क्या CH3 लगाओ भाई, CH3, यहाँ पर आया ओ के पास MG, X के जगह पे BR का आपने प्रयोग किया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये योगात्मक उत्पाद है, जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन मतलब होता है H2O माध्यम अम्लीय, H2O टूटा किसमें आया, H+ चार्ज OH माइनस चार्ज, H+ चार्ज OH माइनस चार्ज, बॉन्ड ये भी टूटा, Mg+O- HO के पास OH, Mg+ में बनने वाला कंपाउंड क्या बना, CH3CH2 और OH, बिल्कुल कंपाउंड बन करके आपका आ गया CH3CH2 और OH, एथेनॉल बन करके आया, और प्लस क्या बन गया, Mg के साथ X है, आप BR का, सॉरी Mg इसके जगह X के जगह पे BR है, और आप यहाँ पे OH का प्रयोग कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या ग्रीन नॉड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल। बात आती है मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन, तो मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन आपको बनाया गया, यहाँ पे देखो मेथिल एल्कोहल से, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल है, आप तीसरे को सॉरी आठवें क्वेश्चन में जाएं, आठवें क्वेश्चन में मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाइए, मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड या फिर क्या मेथिल नाइट्राइल का प्रयोग करें, ठीक है, एथेन नाइट्राइल का प्रयोग करें, मेथिल साइनाइड, मेथिल नाइट्राइल, इनकी अभिक्रिया LiH4 के द्वारा कराने पर हमको क्या प्राप्त होने वाला है भाई, यहां प्राप्त होता है एथिल एमीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये 10 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे प्राप्त करते हैं 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।